आदाब, हेलो एंड वेलकम। आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं मोहम्मद मुदस्सिर आलम। आप में से कई लोग लगातार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं MCA यानी मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन के एंट्रेंस एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर आपके साथ शेयर करूं। ये ख़ास वीडियो है जिसमें मैं आपके साथ MCA के एंट्रेंस एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर को शेयर करने जा रहा हूँ। आगे बढ़ने से पहले आपको रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों से शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जामिया मिल्लिया इस्लामिया जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसके क्वेश्चन पेपर को, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को मैं शेयर करने जा रहा हूँ आगे। तो आप आगे ध्यान से वीडियो को देखिए। जामिया मिल्लिया इस्लामिया 2016 के MCA क्वेश्चन पेपर को इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 देख सकते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है। सही ऑप्शन को आपको लिखना होता है मार्कशीट पर। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5। वीडियो को पॉज कर आप आराम से क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। क्वेश्चन नंबर 25 से आप देख सकते हैं, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, इसी तरह से 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76. हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं, आपको सही ऑप्शन लिखना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88. 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं, सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ शेयर कर दिया आपके साथ। इस क्वेश्चन के लिंक मैं आपके साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दूंगा। वीडियो को पॉज कर आप सारे क्वेश्चन को आराम से पढ़ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको MCA से रिगार्डिंग जो भी क्वेरीज थी क्वेश्चन पेपर को लेकर वो काफ़ी हद तक दूर हो चुकी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, दूसरों से शेयर कीजिए, अपने कमेंट, फीडबैक, किसी भी तरह के क्वेश्चन आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को जरूर दबाइए ताकि कोई भी नया वीडियो मैं इस चैनल पर अपलोड करूँ तो उसकी जानकारी आपको सही समय पर मिल जाए।